उपायुक्त के निर्देश पर नारायणपुर थाना प्रभारी दयाशंकर राय को लाइन हाजिर किया गया। आरोप है कि चिरोगी गांव के 5 पीड़ित दलित परिवार के मामले को सुलझाने में वो नाकामयाब रहे। उन्होंने FIR दर्ज करने में भी देर की। वहीं उपायुक्त फैज अहमद ने जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जमीन का म्यूटेशन भी निरस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि जांच कमेटी की रिपोर्ट से ये प्रतीत होता है कि बदलाइन की प्रक्रिया में त्रुटियां हैं। ऐसे में अब ये जमीन दलित परिवार की होगी। साथ ही चिरोदी और मोचियाडी के ग्रामीणों के आपसी मतभेद को देखते हुए एक चौकीदार की नियुक्ति की गई है। बता दें कि 29 मार्च 2021 को रमजान मियां और 40-50 व्यक्तियों के द्वारा निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास पर जबरन एस्बेस्टस लगाकर कब्जा कर लिया गया था। इस मामले में नारायणपुर थाना प्रभारी द्वारा उचित कार्रवाई नहीं करने का आरोप उन पर लगा है। जो ये बदले हुआ है उसको रिमांड किया जा रहा है और उसको रिजेक्ट करते हुए है ना, और म्यूटेशन जमाबंदी रद्द की जाएगी। उसके अलावा गाँव में फिलहाल चौकीदार नियुक्त करने के लिए कहा गया है, रिकमेंड किया गया है, तो हम लोग रिकमेंड करेंगे। उसके अलावा जांच कमेटी ने बोला है कि SC ST के सुसंगत धाराओं में भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए भी हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। और थाना प्रभारी को भी शोकॉज होगा कि उन्होंने इस मामले को समय रहते हुए क्यों नहीं कंट्रोल किया। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।